भेजा नस नस में तू जोश जगा कुछ भी नहीं आसान यहाँ अपनी राह खुद ही बना। गाइस फाइनली जो है मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटे की वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। ओह माय गॉड। सो गाइस बीकी बीबीजे फैमिली की तरफ से मैं सभी लोगों को मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है जितने भी बीकी बीबीजे का फैमिली है मैं सारे लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सारे लोगों को स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ कि इतने सपोर्ट करने के लिए। अब मेरे को पता है कि आप लोग आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहोगे। मोनेटाइज करने के लिए एक जो है माइलस्टोन आपको कंप्लीट करना होता है, 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के वॉच टाइम आपको चाहिए होता है, ठीक है, तभी जाके आपका चैनल जो है मोनेटाइज होता है। और मोनेटाइज होने के बाद आपके चैनल पे एड वगैरह आते हैं लगते हैं, ठीक है, उससे आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। सो गाइस ऐसे में जो है मेरे चैनल पे जो है अभी 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटे की वॉच टाइम कंप्लीट हो चुके हैं और मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर चुका हूँ और मोनेटाइजेशन भी मतलब ऑन हो चुका है, मेरे वीडियो पे जो है ऐड भी लग चुका है। तो जो मेरा ये जो फुल स्टोरी है ये मैं कैसे अचीव किया, मैंने कब स्टार्ट किया था यूट्यूब, कितने दिन लगे, कितने पापड़ बेलने पड़े, कितने स्ट्रगल करने पड़े, ठीक है, तो ऐसे में सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे जान लीजिए, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हो विकी बीबीजे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि मैं ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे मैं हमेशा लाता रहता हूँ। आप अगर एक क्रिएटर हो, यूट्यूब वीडियो आप बनाते हो लेकिन आपका जो है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के वॉच टाइम और आपके चैनल पे नहीं हुआ है अभी तक, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाला है कि मैं क्या किस तरीके से जो है 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के वॉच टाइम कंप्लीट किया, मेरे को कितना टाइम लगा है, मैं कैसे अचीव किया, ठीक है। और ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है, यह आज आपको कोई भी टेक रिलेटेड वीडियो अब मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मेरा जो स्टोरी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइस पहली बात तो ये है कि 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटे की जो वॉच टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये जो वॉच टाइम है ये हमेशा एक यूट्यूबर को, एक क्रिएटर को पहले कंप्लीट करना होता है तभी जाके आपको चैनल जो है मोनेटाइज किया जाता है, ठीक है। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं वीडियो स्टार्ट किया था, मतलब वीडियो जो है चैनल मतलब बनाया था लगभग आज से लगभग 14-15 महीने हो चुका है, मतलब एक साल से भी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे में मेरा जो है वीडियो जो है आप देख सकते हो मेरे चैनल पे विजिट करके कि 250 से भी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो आपको पता लगा सकते हो कि मैंने YouTube को कितना टाइम दिया, कितना मतलब मेहनत किया है, ठीक है। तो YouTube में मेरे को कोई पहचानता भी था नहीं था, ठीक है। तो ऐसे में YouTube में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक YouTube चैनल को ग्रो करने में। मैं जब वीडियो अपलोड करता था तब मेरे को कुछ भी मतलब YouTube के रिलेटेड कुछ भी मतलब कैसे अपलोड करना है, थंबनेल कैसे लगाना है, टैग कैसे लगाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, ठीक है, तो ऐसे में हैशटैग कैसे लिखना है, ठीक है। तो ऐसे में मेरे को कुछ भी मतलब पता नहीं था, सही तरीके से कुछ भी पता नहीं था, मतलब शूट किया कुछ भी वीडियो तो मैं अपलोड कर देता था, ठीक है। तो ऐसे में मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था यूट्यूब के बारे में, ठीक है। तो आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हो कि रात रात जो है आप एक दिन में चैनल ओपन किया और आपका चैनल जो है वायरल हो जाए, आपका चैनल में मिलियन सब्सक्राइब आ जाए, ठीक है। अगर कोई अब देखते होंगे कि अगर कोई बॉलीवुड से या तो फिर किसी सेलिब्रिटी ने यूट्यूब चैनल ओपन कर ली तो वो 2-4 घंटे 10 घंटे एक दिन के बाद उसका मिलियन सब्सक्राइबर पहुंच जाते हैं क्योंकि उसका जो है फेस वैल्यू पहले से ही बना होता है, ठीक है। उसका जो फेस वैल्यू है वो सब लोग उनको पहचानते हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे में उसका चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपका कोई फेस वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आपका जो है एक दिन में कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए आपको एक साल भी लग सकते हैं, 1.5 साल भी लग सकते हैं। यूट्यूब पे आप किसी को पहचानते नहीं हो, ठीक है, आपको कोई पहचानता नहीं है, आपका कोई भी फेस वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में जो है 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटे की वॉच टाइम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। पहले जब वीडियो अपलोड करता था तो एक वीडियो में 2 व्यूज़, 3 व्यूज़, 4 व्यूज़, 10 व्यूज़ इससे ज़्यादा आता ही नहीं था, मतलब 2-4, 10-12-15 काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब 20 एकदम बहुत
ज़्यादा हो गया तो है 20, इससे ज़्यादा होता ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसे में जो है बहुत सी मतलब बहुत डीमोटिवेट भी हो जाता था, ठीक है। तो ऐसे में कभी कभार लगता था मतलब 10 वीडियो अपलोड कर दी, 20 वीडियो अपलोड कर दी, व्यूज़ नहीं आता, कुछ नहीं आता, वर्स्ट टाइम तो आता है, छोड़ ही दो उसको, ठीक है। तो ऐसे में मैं धीरे धीरे जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा मतलब मैं पहले क्या करता था, थंबनेल बनाता ही नहीं। जो यूट्यूब आपका अगर यूट्यूब क्रिएटर हो तो आपको पता होगा कि आप जैसे ही आपका वीडियो कंप्लीट हो जाता है अपलोड होना, तब आपको जो है यूट्यूब की तरफ से ही कुछ थंबनेल जो है 2-3 थंबनेल आ जाता है, ठीक है। तो आप उसी से ही कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता था कि उसी में ही एक सिलेक्ट कर देता था, कभी कभार वो भी सिलेक्ट करना मतलब नहीं करता था, तो ऐसे में वीडियो जो है अपलोड कर देता था। और जो है हैशटैग नहीं लगा था, टाइटल अच्छी तरह से टाइटल नहीं था, ठीक है। तो ऐसे में जो है मेरा वीडियो कभी वायरल होने का चांसेस नहीं था, ठीक है। तो ऐसे में होता भी नहीं था। तो धीरे धीरे जो है मैंने थंबनेल बनाना सीखा कि किस तरीके से थंबनेल बनाए जाते हैं। बहुत सी काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखे, पूरा दिन यूट्यूब पे लगा दिया, ठीक है। पूरा दिन सीखते गए, ठीक है। तो ऐसे में जो है थोड़ा बड़ा इम्प्रूव होता है, ठीक है। आप जैसे लगातार सबसे यूट्यूब में जो है मेरे को जो 1.5 साल होने लगा है, करीब 1.5 साल के करीब हूँ, 1.5 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ, ठीक है। तो ऐसे में 1.5 साल से मतलब 1.5 साल की एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि यूट्यूब से जो है एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है। आप अगर जितना एक्टिव रहोगे यूट्यूब में, ठीक है, मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओगे, जितना एक्टिव रहोगे, ठीक है, तो ऐसे में आपका जो है ग्रो होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। बीच में मैं छोड़ ही दिया था, ठीक है, मतलब 10-15 दिन 20 दिन 1 महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करता था। ऐसे में ये ऐसा भी हो जाता था, ठीक है, मतलब कि ऐसा लगता था कि क्या होगा कि इसका जो पूरी वॉच टाइम वगैरह कुछ सब्सक्राइब बढ़ता ही नहीं है, तो क्यों करूँ यूट्यूब, ठीक है। तो ऐसे में जो है मैं छोड़ ही दिया था। फिर से जो है मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे, बहुत से जो बड़े बड़े क्रिएटर है, मतलब जो बहुत दिन से है और ज़्यादा सब्सक्राइब मिलियन वाला सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो ऐसे में उनका जो है अच्छा अच्छा क्रिएटर का मैंने वीडियो देखा, तो उससे थोड़ा मोटिवेट हुआ, ठीक है। मैंने उसका मतलब उन लोगों का भी जो है मतलब काफ़ी जो ओल्ड वीडियो था, ठीक है, तो वो भी देखा, 3-4 साल पहले की जो वीडियो था उन लोगों का, तो वो भी वीडियो देखा, ठीक है। तो मतलब उन लोगों से जो है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुआ, ठीक है। सो गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके चैनल पे अगर 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटे की वॉच टाइम नहीं है, तो आप जो है एकदम से डिमोटिवेट मत हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको और भी ज़्यादा इससे मोटिवेट होना है, आपको सीखना है, और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, और भी ज़्यादा एक्टिव रहना है यूट्यूब पे। फालतू के वीडियोस देख के जो है आपका टाइम जो है ख़राब कर देते हो, जो असली मतलब जो है कमाल का बहुत सारे जो है ऐसे वीडियोस भी है यूट्यूब पे जो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो ऐसे में वो वीडियोस भी आप देख सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। और एक जो बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कंसिस्टेंसी जो है बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है यूट्यूब पे, ठीक है। आप अगर मान के चलो कि 365 दिन होता है 1 साल में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस रूल को आप फॉलो करो, आपका चैनल भी ग्रो कर जाएगा 100% है। क्योंकि जो है 365 दिन में आप 365 वीडियो रोज एक ही टाइम में अपलोड करते जाइए, मतलब कि मान लेते हैं कि सुबह के 10 बजे 11 बजे 12 बजे एक टाइम सिलेक्ट कर लीजिए और 365 वीडियो आप 365 दिन में अपलोड कर दीजिए, सही टाइटल, सही डिस्क्रिप्शन, सही हैशटैग, सही टाइटल, सही थंबनेल के साथ, तो आपका जो कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाएगा, आपका जो है बहुत सारे जो है व्यूज़ भी आ जाएगा, आपका चैनल का 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, और आपका जो है वॉच टाइम वो भी कंप्लीट हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ऐसा मत मानो कि 365 वीडियो ही आपको अपलोड करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से मोटिव के साथ चलो, ठीक है, मतलब ऐसा मान के चलो आप, ठीक है। आप देखोगे कि 10 वीडियो 20 वीडियो 30 वीडियो 50 वीडियो 60 वीडियो 100 वीडियो अपलोड करते करते जो है एक वीडियो आपका तुरंत ही वायरल हो जाएगा, ठीक है। तो आप कभी मेरे को याद करोगे, मैं भी अभी तक जो है सीख ही रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे में जो है कुछ कुछ जो दिमाग में आ रहा है कि कुछ इस तरीके से वीडियो होना चाहिए, कुछ इस तरीके से शूट करना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ी बहुत जो समझ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आता है, मेरे चैनल पे आप जाके विजिट करके चेक कर सकते हो, तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में आपको लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखना है अपने चैनल पे, आपके दिमाग के ऊपर, ठीक है। तो आपको जो है यूट्यूब पे ग्रो करना है तो कंसिस्टेंसी जो है बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज, ऐसा नहीं कि आप अगर वीडियो बना रहे हो तो आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, अच्छा DSLR होना चाहिए, ट्राइपॉड होना चाहिए,
गिम्बल होना चाहिए, माइक होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में आपको कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। आप अगर वीडियो मतलब पहले पहले स्टार्ट कर रहे हो तो, या तो फिर सोच रहे हो कि यूट्यूब चैनल खोलने का, तो ऐसे में जो है आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, सिर्फ एक स्मार्टफोन है, तो आप उसी से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब एडिट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, थंबनेल बना सकते हो, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन सारा काम जो है इसी से ही, मोबाइल से ही हो जाता है, एक स्मार्टफोन से ही हो जाता है। तो ऐसे में जो है आपको बिना बात की जो है आपको कहीं भी कुछ भी परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि जो है आप एक माइक ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो है यूट्यूब पे जो है वीडियो क्वालिटी से ज़्यादा साउंड क्वालिटी जो है बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आपका वीडियो अगर एवरेज भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन आपका जो है माइक सपोर्ट होना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। आप चाहो तो एक सस्ता सा माइक परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में जो है मतलब 200-500 में एक अच्छा खासा माइक आ जाता है। ऐसे में जो है आपको लैपटॉप या तो फिर DSLR या तो फिर ट्राईपॉड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरा भी जो है अभी एक सिर्फ एक, आप देख सकते हो ये जो माइक है, सिर्फ मैं अभी इसी माइक को ही परचेस किया, ठीक है, यूट्यूब के चक्कर में, और कुछ भी परचेस नहीं किया। मैं जो है ट्राईपॉड भी अभी तक परचेस नहीं किया थी। आप शायद मेरा ट्राईपॉड देखे हंसेंगे, क्योंकि ऐसा मेरे को बास के साथ मतलब ऐसे होममेड एक ट्राईपॉड मेरा है, मैंने खुद बनाया है, मैं और मेरे जो है ब्रदर्स, वो उन लोग मतलब काफ़ी हेल्प किया और जो है एक ट्राईपॉड मैंने बनाया है, ठीक है। तो मैं आपको जो है मेरा ट्राईपॉड भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। आप अगर मेरा ट्राईपॉड देखना चाहते हो कि किस तरीके से जो है मैंने ट्राईपॉड बनाया है, मैंने अभी तक कोई भी ट्राईपॉड परचेस नहीं किया, एक खुद का जो है एक ट्राईपॉड बनाया है। अभी इस जो वीडियो शूट हो रहा है ये भी वही ट्राईपॉड है, मैंने अभी तक जो है चैनल मोनेटाइज भी हो गया है, ऐड भी लग चुका है, अभी तक जो है ट्राईपॉड परचेस नहीं किया है, क्योंकि जो है मेरा फर्स्ट सैलरी अभी तक नहीं आया है। तो ऐसे में जो है मैं आपको मेरा जो ट्राईपॉड है वो भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। तो ऐसे में आप अगर इंटरेस्टेड हो मेरा ट्राईपॉड देखने के लिए, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन पे जाइए और नीचे कमेंट में लिखिए कि आप मेरा ट्राईपॉड देखना चाहते हो या नहीं। तो ऐसे में मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि मेरा ट्राईपॉड कैसा है, मैं शूट किस तरीके से जो है करता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं परचेस नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों करूँगा, ठीक है। मेरा अगर पैसा आए यूट्यूब से, मतलब पैसा, लेकिन आप जो है एक बात, एक चीज़ और ध्यान में आपको रखना है, सिर्फ आप पैसों के लिए यूट्यूब पे आ रहे हो तो आप मत आना, ठीक है, तो आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, ठीक है। पैसों के चक्कर में, पैसों इम्पोर्टेंट है, मैं माना कि जो है पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए यूट्यूब पे आना ये आपका रॉन्ग डिसीजन होगा, ठीक है। आप जो है आपका यूट्यूब पे आपका पैशन, आपका लाइफस्टाइल अलग ही लेवल का जो है परफॉर्मेंस कर सकते हो, ठीक है। पैसा से ध्यान हटा के आप कंटेंट पे लगाओगे, कंटेंट अगर दमदार होगा तो आपका जो वीडियो है ऑटोमेटेड चल जाएगा। गाइस अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो गाइस मैंने जो है आपका बहुत ही ज़्यादा कीमती वक्त ले लिया है आप, सो डोंट माइंड। आपको थोड़ा भी मोटिवेशन लगा इस वीडियो को देख के, थोड़ा भी अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाना, क्योंकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। सो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, भाई को सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही वीडियो मैं लगातार आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।